इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार के निधन की खबर ने हर किसी की आंखें नम कर दी। उन्होंने बुधवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली और फिर शाम को सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। क्या आपको मालूम है कि दिलीप कुमार का परिवार कितना बड़ा है? उनके अलावा भी परिवार के कई लोग एक्टर बने। आइए जानते हैं 12 भाई बहनों के खानदान की ये कहानी। दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ खान था। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि उन्होंने बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने से पहले लंबा सफर तय किया था। उनके पिता थे फलों के व्यापारी। जी हां, दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवर और आयशा बेगम के घर हुआ था, जो फलों के व्यापारी थे। पेशावर में दिलीप कुमार के पिता के बाग थे और फलों को बेचकर ही घर का गुजारा होता था। 12 भाई बहनों में एक दिलीप कुमार का बचपन बेहद तंग हाली में बीता, क्योंकि घर में लोग ज्यादा थे और कमाने वाला सिर्फ एक था। 6 बहनें और 6 भाई थे दिलीप कुमार। जी हां, दिलीप कुमार को मिलाकर वे 6 भाई थे, जिनके नाम थे नासिर खान, एहसान खान, असलम खान, नूर मोहब्बत और अयूब सरवर। वहीं दिलीप साहब की 6 बहनें थीं, जिनके नाम फैजिया खान, सकीना खान, ताज खान, फरीजा खान, सईदा खान और अख्तर आसिफ थे। अजमेर शरीफ में बहन ने की सेवा। जी हां, दिलीप कुमार की मां आयशा बेगम को दमे का रोग था और 1948 में उनका निधन हो गया। इसके बाद 1950 में उनके पिता भी गुजर गए। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार पर आ गई और सबसे बड़ी बहन सकीना ने घर गृहस्थी संभाली। बताया जाता है कि सकीना ने शादी नहीं की थी और उनका आखिरी वक्त अजमेर शरीफ में सेवा करते हुए बीता था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।